हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद द डिफरेंस। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज ये रिलेटेड है चाइल्ड केयर से, या यू कह लीजिए चाइल्ड सेफ्टी से। तो यहां पर मैं आपके साथ में कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहूंगी जो वाकई में आपको अपने बच्चों के साथ में शेयर करनी चाहिए, उनको समझानी चाहिए। यदि अभी आपके बच्चे बहुत ज्यादा इनोसेंट है, अनजान है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन बातों को जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली, हो सकता है कि आपने अपने बच्चों को ये बातें बता रखी हो, बट फिर भी हो सकता है इनमें से कोई चीज आपके काम की हो। सबसे पहली चीज शुरू करते हैं, आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या ज्यादातर टाइम बाहर निकालते हैं, आउटडोर में निकालते हैं, तो बेहद जरूरी चीज है, भले ही आपके बच्चे के पास में मोबाइल फोन रहता है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है मोबाइल वर्किंग में नहीं होता है या फिर मोबाइल कहीं सबमिट करना होता है, तो आप ऐसा करें, बच्चे के बैग्स में या कहीं भी नोटबुक्स में आगे पीछे पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ हो और नेबरहुड का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ हो। ये हमेशा याद रखें। अब आपके बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि उसकी डायरी में, नोटबुक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर मदर एंड फादर का और साथ में एक अच्छे नेबर का, जो वाकई में आपको लगता है कि आपके अच्छे नेबरहुड है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप जरूर उसकी नोटबुक या डायरीज में लिख कर दें। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सभी समझदार हैं, तो ये करना वाकई में आपके बेबी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड जरूरी चीज, यदि आपके बच्चे कहीं भी बाहर है और कोई अनोन पर्सन आपके बेबी को खाने के लिए कुछ देता है या ऐसे ही, मतलब लगता है कि हाँ चलते फिरते कोई ऐसा कुछ देने लगा, तो हमेशा अपने बच्चों को समझाए, कभी भी अनोन पर्सन से कोई भी चीज ना ले, उससे कोशिश करें बचने की, और कोई भी ऐसी चीज आप ना खाएं जो आपको किसी अनोन पर्सन के द्वारा दी जा रही है या आपका बच्चा उस व्यक्ति को जानता नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आपके बच्चे को कोई बाहर अनोन थिंग, कोई लावारिश चीज एज सच कोई लगता है, बच्चे होते हैं दिमाग में नहीं आता, और टॉय या कोई भी ऐसी चीज समझकर बच्चों का मन थोड़ा हो जाता है कि हाँ इसको ले लिया जाए, तो हमेशा आप अपने बच्चों को ये चीज जरूर बताएं कि कहीं पर भी बाहर या घर के आसपास कोई भी अननोन चीज मिलती है तो आपका बच्चा उसको कभी ना उठाए, कभी भी हाथ ना लगाए, बल्कि उसके पास में कोई भी यदि बड़ा पर्सन है उसको वो पहले इन्फॉर्म करे, और फिर वो जो भी जिस भी व्यक्ति को बताया है, वो जो भी जैसे भी स्टेप उठाता है, तो आपका बच्चा कभी भी किसी भी अननोन चीज को हाथ ना लगाए। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ये होता है कि बच्चे कहीं घर से बाहर होते हैं तो बहुत बार ये होता है कि कोई, मतलब कभी भी अनोन पर्सन आपके बेबी को या आपकी बेबी गर्ल है फॉलो कर रहा है, बहुत टाइम से पीछा कर रहा है, और ये आपके बच्चे को समझ में आ गया है कि उसको काफी टाइम से कोई फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो आप उससे बताइए, अगर रास्ते में कहीं बीच पर कोई चेक पोस्ट, और आजकल तो पुलिस जगह जगह मिल ही जाती है, चेक पोस्ट है या कोई पुलिस वाला है, या अगर पुलिस भी वहां पर नहीं है और आप किसी वहां पर शॉप में किसी को एज जानते हो बहुत अच्छे से, तो आप उसको इन्फॉर्म करो कि पर्टिकुलर पर्सन आपको काफी देर से फॉलो कर रहा है जिधर भी आप निकल रहे हो। जरूर आप अपने बेबी को समझाएं कि वो इन्फॉर्म कर दे पुलिस को बिना किसी डर के, या चेकपोस्ट कोई आता है या किसी वो शॉपकीपर को, या ऐसे किसी, मतलब अब बहुत अच्छे से किसी को जानता है, तो उसको इन्फॉर्म करे कि पर्टिकुलर पर्सन उसका पीछा कर रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों को आप कॉन्टेक्ट नंबर घर के तो आप याद करवा ही दे, इसके अलावा कुछ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट होते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से ओवरऑल इंडिया में फ्री है, उस पर कॉन्टेक्ट करना इमरजेंसी में। फॉर एग्जाम्पल पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है 100। कभी भी इस तरह की इमरजेंसी होती है कि आपको लगे पुलिस, आपके बच्चे को लगे अगर वो घर से बाहर है कि पुलिस की रिक्वायरमेंट है या एज सच कोई सिचुएशन है, तो वो 100 पर डायल करें, या फिर अगर उसको लगता है कि कहीं पर लाइक एम्बुलेंस की नीड है या कहीं पर फायर सर्विस की नीड है, कहीं ऐसी सिचुएशन है, तो आप उसको बताएं कि 101 102 ये कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने बच्चों को याद करवा दें, या फिर उसको मोबाइल में उसके में फीड हो। नेक्स्ट एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181। अगर आपके गर्ल चाइल्ड है या आपको कहीं पर
मदर है या फीमेल से नीड होती है तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है और आपको फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है तो आप बेझिझक वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो है 181। तो इस तरह के कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स है इमरजेंसी के लिए जिन पर आप कॉल कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरा मतलब है कि आपको ये याद होने चाहिए इमरजेंसी में। तो ये कुछ इस तरह की बातें थी जो हमें अपने बच्चों को वाकई में समझाना चाहिए, उनको ये चीजें इस तरह के टिप्स उनको बताने चाहिए जो उनकी हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए बेहद जरूरी है और वो उनको सेफ रखने में काफी मददगार होते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। मैं आपकी दोस्त मीनाक्षी आपके लिए इस तरह की यूजफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। बने रहिए मेरे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कॉमेंट कीजिए प्लीज, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।